गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड, दिस इज अवर इंग्लिश बुक रियल इंग्लिश अ मल्टी स्किल लैंग्वेज कोर्स। लास्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 को हिंदी में डिस्कस कर रहे थे। सो अवर लेसन नंबर 4 इज भीम एंड द बफेलो। तो हमने क्या पढ़ा था, एक बार उसकी क्विक रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पे एक स्टोरी दी है एक पुअर फार्मर की। एक पुअर फार्मर जिसका नाम है भीम, वो अपनी वाइफ और अपने दो बच्चों के साथ गांव में रहता है। उसके पास एक छोटी सी धरती है जिसपे वो खेती करता है, अपने लिए सब्जियां उगा लेता है, ठीक है। उसके पास दो भैंसे होती हैं जो कि उसको दूध देती हैं और वो लोग खुशी से रहते हैं, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे क्या होते हैं, दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं। आप बच्चे बड़े हो गए तो इसीलिए उनकी फीस भी पे करनी पड़ेगी अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए, मतलब उनको स्कूल में डालना है तो उनका खर्चा बढ़ने वाला था। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, अपने एक बफेलो को बेच देंगे जो कि उनके पास बहुत सालों से थी। तो उनको बहुत दुख होता है ऐसा सोचते हुए भी, पर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो उन्होंने ऐसा फैसला मजबूरी में आके लिया होता है, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। अगली सुबह भीम उठता है और अपनी भैंस को लेके चलता है गांव की शहर की तरफ चलता है कि उसको बेच के आए। जब वो जा रहा होता है तो रास्ते में उसको कौन मिलता है, एक हॉर्स मिलता है। एक आदमी उस हॉर्स को लेके जा रहा होता है तो आदमी कहता है कि दोस्त, क्या तुम मेरा घोड़ा खरीदना चाहोगे, मैं अपना घोड़ा बेचना चाहता हूँ, तो क्या तुम इसको अपनी भैंस के साथ मेरे साथ एक्सचेंज करोगे। भीम सोचता है कि कितना अच्छा आइडिया है, वो बहुत खुश हो जाता है और वो कहता है ठीक है। तो वो खरीद लेता है घोड़े को और अपनी बफेलो को दे देता है। पर थोड़ी देर बाद उसको ये रियलाइज होता है कि जो घोड़ा है वो तो लंगड़ा है, तो वो बहुत दुखी हो जाता है। फिर वो आगे चलना स्टार्ट करता है। फिर उसको एक और आदमी मिलता है जिसके पास क्या होती है, एक काऊ होती है, गाय होती है। तो भीम उसको अपनी सारी स्टोरी बताता है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया। तो वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम ऐसा करो मेरी काऊ ले लो और मेरे को अपने बफेलो दे दो, सॉरी मेरे को अब तो उसके पास बफेलो नहीं, अब तो उसके पास क्या है, हॉर्स। तो वो कहता है कि तुम ऐसा करो, तुम मेरे को अपने काऊ दे दो और बदले में हॉर्स के साथ इसको एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो भीम बहुत खुश हो जाता है और वो उस आदमी की दया के लिए बहुत वो रहता है कि भाई कितना अच्छा आदमी था इसने, बिना सोचे समझे भाई मेरे को तो अपना, मेरे से लंगड़ा घोड़ा ले लिया और अपनी काऊ मेरे को देने लगा, ठीक है। तो भीम फिर आगे चलता है, उसको थोड़ी देर बाद ये एहसास होता है कि जो काऊ है वो तो कैसी है, ब्लाइंड है वन आई से, मतलब कि एक आंख से अंधी है। तो उसको बहुत ज्यादा दिल दुखता है, उसका दिल टूट जाता है, वो बैठ जाता है एक पेड़ के नीचे और सोचने लगता है। उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि वो अब क्या करे। उसके बाद एक आदमी आता है एक गोट के साथ, यानी कि एक बकरी के साथ, और वो उसको ये ऑफर करता है कि तुम ऐसा करो काऊ के बदले में गोट ले लो, ठीक है। तो भीम ठीक है, भीम एग्री कर जाता है। और बाद में उसको ये पता लगता है कि जो बकरी है वो तो कैसी है, बीमार है। तो वो फिर दुखी हो जाता है और कंफ्यूज हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता अब मैं क्या करूं। उसके बाद वो क्या करता है, गोट को किसके साथ एक्सचेंज करता है, हैन के साथ। तो यहां तक की स्टोरी हमने कल पढ़ ली थी, अब हम इसे आगे पढ़ते हैं। इट वॉज इवनिंग, ये शाम हो चुकी थी। वॉज का मतलब पास्ट टेंस, ठीक है, अभी के लिए हम इतना ही याद रखेंगे, धीरे धीरे हम चीजों को समझते चलेंगे। भीम वॉज हंग्री एंड टायर्ड, भीम भूखा था और थका हुआ था। ही सोल्ड द हैन फॉर अ फ्यू रुपीज एंड बॉट सम फूड टू ईट। अब फाइनली उसके पास एक मुर्गी थी तो उसने क्या किया, उसको बेच दिया और कुछ पैसे ले लिए, किस लिए, ताकि वो खाना खरीद सके क्योंकि उसको बहुत भूख लगी थी, ठीक है। एज ही वॉज अबाउट टू स्टार्ट, और जैसे ही वो चलने ही वाला था, वो खाना खाने ही वाला था, एन ओल्ड बैगर वॉक्ड अप टू हिम, एक बूढ़ा भिखारी उसके पास आया, ठीक है। I have not eaten anything for many days. और वो क्या बोलता है कि मैंने कुछ दिनों से कुछ भी नहीं खाया, मैंने कई दिनों से कुछ भी खाना नहीं खाया, Please give me something to eat. और कहता है कि प्लीज मुझे कुछ खाना दे दो खाने के लिए। The beggar pleaded. Pleaded का मतलब होता है भीख मांगना या इच्छा करना, गिड़गिड़ाना, ठीक है।
आगे चलते हैं। भीम फेल्ट सॉरी फॉर द बेगर, भीम को बेगर पे बहुत दया आई। सॉरी का मतलब माफी मांगना ही नहीं होता, सॉरी का मतलब क्या होता है, दया आना, दया दिखाना। इसके लिए भी हम सॉरी, एक पिटीफुल कंडीशन के लिए भी हम सॉरी यूज करते हैं, ठीक है। तो भीम को उस बूढ़े भिखारी पे बहुत दया आई, उसके लिए बहुत दिल दुखा उसका। ही गेव ऑल द फूड टू द बेगर, और वो क्या करता है, अपना सारा खाना भिखारी को दे देता है। भीम रिटर्न होम हंग्री, और भीम रिटर्न होम घर वापस आ जाता है हंग्री, भूखा, टायर्ड, थका हुआ, एंड विदाउट अ पैसा इन हिज पॉकेट, और उसकी पॉकेट में कोई भी पैसा नहीं होता क्योंकि उसने अपनी बफेलो भी बेच दी। और जब वो फाइनली घर आया तो उसके पास कुछ भी नहीं था, भूखा भी था, थक भी गया था, और कोई पैसा भी नहीं मिला। भीम्स वाइफ एंड चिल्ड्रन वर नॉट अनहैप्पी विद हिम फॉर लूजिंग द बफेलो एंड मेकिंग नो मनी। भीम की वाइफ और उसके बच्चे वर नॉट अनहैप्पी, वो दुखी नहीं थे विद हिम उसके साथ, मतलब भीम की वाइफ और उसके बच्चे भीम से बिल्कुल भी नाराज या दुखी नहीं थे। फॉर लूजिंग द बफेलो, किस लिए, क्योंकि उसने बफेलो भी लूज कर दी एंड मेकिंग नो मनी, और कोई पैसा भी नहीं बनाया, कोई पैसा भी नहीं कमाया। हिज वाइफ सैड, उसकी वाइफ कहती है, यू हैव डन द राइट थिंग, तुमने सही काम किया है। वन मस्ट नेवर टर्न अ हंग्री मैन अवे, देखो कितनी अच्छी बात लिखी है, वन मस्ट नेवर टर्न अ हंग्री मैन अवे, किसी को भी कभी भी किसी भूखे आदमी को नहीं भगाना चाहिए, हमेशा उसको कुछ खिलाना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। तो हमेशा याद रखेंगे, जब भी आपको कोई बीमार आदमी, भूखा आदमी दिखाई दे, तो हमेशा आपके पास थोड़ा है तो आप उसकी थोड़े से हेल्प कर दे, ठीक है ना, ज्यादा है तो ज्यादा दे दे, कम है तो कम दे दे, पर उसकी हेल्प जरूर करे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हेल्प अ नीडी पर्सन। सिर्फ जो भीख मांगता है उसकी हेल्प ना करें, क्यों ना करें, क्योंकि क्या पता वो उस पैसे से क्या करेगा, बट जो वाकई ही जिसको जरूरत है, जो सच में खाने की डिमांड कर रहा है, यानी कि वो उसका कुछ और नहीं करेगा, वो तो भूखा है तो वो सिर्फ खाना खाएगा, तो ऐसे आदमी की हमेशा मदद करनी चाहिए, तो आगे से आप भी हेल्प करेंगे। आगे चलेंगे, द फैमिली वेंट टू बेड आफ्टर डिनर, और फैमिली वेंट टू बेड का मतलब बेड पे चली गई या फिर सोना, सही मतलब इसका हो जाएगा स्लीपिंग मोड पे जाना, ठीक है। फैमिली वेंट टू बेड आफ्टर डिनर, तो खाना खाने के बाद फैमिली बेड पे चली गई, बिस्तरे पे लेट गई सोने के लिए, ठीक है। व्हेन दे वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग, वोक अप यानी कि अगली सुबह उठना, ठीक है, नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए यूज हुआ है वोक अप। जब वो अगली सुबह उठे, दे वर अमेज्ड एट व्हाट दे सॉ, अमेज्ड का मतलब होता है अचरज में आना, अचंभित हो जाना, या फिर कहें जिसको हम सरप्राइज्ड हो जाना, ठीक है ना, आश्चर्यचकित हो जाना। तो वो आश्चर्यचकित हो गए, क्या जो भी उन्होंने देखा उसको देखकर। देयर स्टूड इन फ्रंट ऑफ भीम्स हाउस अ लाइन ऑफ एनिमल्स, देयर स्टूड इन फ्रंट ऑफ भीम्स हाउस, भीम के हाउस के बाहर खड़े थे अ लाइन ऑफ एनिमल्स, एक लंबी कतार थी एनिमल्स की, जानवरों की। कौन कौन था उस लाइन में, अ यंग बफेलो, एक मतलब जवान मतलब हष्ट पुष्ट बफेलो, अ हेल्दी हॉर्स स्वस्थ घोड़ा, अ काउ, अ गोट एंड अ हेन। देयर वर ऑल्सो अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन, तो ये सारे एनिमल्स भी थे, देखो ये सारे बफेलो उसकी खुद की थी, हॉर्स उसको लंगड़ा मिला था, अच्छा उसके बाद काउ उसको मिली थी कैसी, वन आई उसकी खराब थी, एक आंख से अंधी थी, गॉट कैसी थी बीमार थी, और हैन को उसने बेच दिया था कुछ खाना खाने के लिए, और उस पैसे का उसने खाना खरीदा और उस खाने को उसने एक भिखारी को दे दिया था, ठीक है ना। तो देखो वही सारे एनिमल, देयर वर ऑल्सो अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन, उसने अपने पैसे खर्च कर दिए थे खाना खिलाने के लिए, तो उसको एक बैग ऑफ गोल्ड कॉइन मिला, एक सोने के सिक्कों से भरा एक बैग मिला। आगे देखते हैं क्या होता है। After a few moments of surprise, कुछ देर तक shocked रहने के बाद, they realized what had happened. उन्हें समझ में आया कि आखिर हुआ क्या, ऐसा क्या हुआ होगा, देखते हैं। Bhim's wife said, भीम की वाइफ कहती है, I am sure the beggar you met was God in disguise. तो उसकी वाइफ क्या कहती है,
मुझे पक्का पता है, मैं निश्चित हूँ कि जो भिखारी तुम्हें मिला था, द बेगर यू मेट, जो भिखारी तुम्हें मिला था वॉज गॉड इन डिस्गाइज, वो भगवान था इन डिस्गाइज। डिस्गाइज का मतलब हमने डिस्कस किया था, भेस बदलना, किसी और के भेस में आ जाना, अपने रियल आइडेंटिटी को हाइड कर लेना, छुपा देना। तो उसकी वाइफ कहती है कि मुझे पक्का पता है कि जो बेगर तुम्हें मिला था वो भगवान था, दूसरे भेस में, मतलब भिखारी के भेस में आया था ना वो। तो वो कहती है कि वो कोई और नहीं, वो भगवान थे। ऑल दिस इज हिज रिवॉर्ड फॉर योर काइंडनेस। देखो अब एक चीज ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे जी जो आया ये कैपिटल है ना, और एच जो आया ये भी कैपिटल है। उसके अलावा हम देखेंगे कि लाइन में सिर्फ फर्स्ट लेटर को छोड़ के बाकी सभी लेटर कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं, अगर किसी का नाम ना हो तो, है ना। तो ये जी ओ डी गॉड, जब हम भगवान की बात करते हैं तो भगवान सबसे बड़े हैं, इसीलिए हम गॉड को हमेशा ग्रेट आइडेंटिटी शो करने के लिए कैपिटल लेटर का यूज करते हैं, ठीक है। इसीलिए गॉड बीच में आएगा तो भी वो क्या है, भगवान की बात कर रही है, इसीलिए वो कैपिटल लेटर में लिखा। यहाँ पे जो हिज आया, हिज किसकी बात हो रही है, ऑल दिस इज हिज रिवॉर्ड, ये जो भी कुछ है ये उसका क्या है, गिफ्ट कह लो, उसकी तरफ से दिया हुआ है। तो हिज कौन हुआ, वो भगवान ही तो हुआ, तो गॉड के ही लिए हमने हिज यूज किया है, इसीलिए हिज भी कैसा आया, कैपिटल आया एच, ठीक है ना। तो क्या मतलब हुआ, ऑल दिस इज हिज रिवॉर्ड फॉर योर काइंडनेस, तो ये जो कुछ भी है ये सब भगवान की ही तरह, भगवान, तुमने जो उदारता दिखाई, तुमने जो दया भाव दिखाया उस बूढ़े भिखारी की तरफ, उसी का ही इनाम है। रिवॉर्ड क्या होता है, इनाम। भीम्स फैमिली हैड नो मोर वरीज एंड दे लिव्ड हैप्पीली, तो भीम की फैमिली को अब कोई भी चिंता नहीं थी, उनकी सारी परेशानियां खत्म हो गई थी, एंड दे लिव्ड हैप्पीली, और वो हमेशा खुशी खुशी जीते रहे। तो हमें इस स्टोरी से क्या सीखने को मिला, हमें ये सीखने को मिला कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, सिर्फ अपना फायदा नहीं देखना चाहिए, और भगवान जो भी करता है वो अच्छे के लिए करता है। अगर आपने कोई अच्छा काम किया है तो उसका रिवॉर्ड आपको जरूर मिलेगा, और यदि कोई बुरा काम किया है तो वो भी आपको जरूर देखना पड़ेगा। इसीलिए हमेशा हमें अच्छे काम करते रहने चाहिए। तो आई होप आगे से जब भी आपको कोई नीडी पर्सन दिखाई देगा, कोई बैगर दिखाई देगा जो कि खाने की डिमांड करे, मैं नहीं कहती कि आप उसको पैसे दो, अगर आपके पास टिफिन है और उसके अंदर दो रोटी है तो आप एक रोटी किसको दे सकते हो, उसके साथ शेयर कर सकते हो, आपका पेट एक रोटी में भी भर जाएगा, क्योंकि आपने सुबह भी खाना खाया होगा, शाम को भी आप खाना खा लेंगे, पर उसका पेट भरने से आपको एक अलग खुशी मिलेगी, किसकी, शेयरिंग की खुशी मिलेगी कि आपने अपनी चीज उसके साथ शेयर करी, और उसको बहुत भूख लगी थी तो वो भी खुश हो जाएगा और वो आपको ब्लेसिंग देगा। इसीलिए हमेशा दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। तो कितनी अच्छी स्टोरी थी, है ना, मुझे तो बहुत लगी। आप भी अपने पेरेंट्स, अपने ब्रदर सिस्टर, अपने फ्रेंड्स को बताएंगे कि क्या था इस स्टोरी में, और अगर अच्छी लगे तो इसको और लोगों तक पहुंचाएं, है ना, वो भी सुनेंगे कितनी अच्छी स्टोरी थी, और इसका जो मैसेज है वो भी उन्हें बताएंगे कि इसका मोरल क्या निकला, ठीक है। तो ये हुआ हमारा लेसन नंबर 4, भीम एंड द बफेलो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कॉम्प्रिहेंशन पार्ट को डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए आप इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे और साथ में कॉम्प्रिहेंशन और वोकैबुलरी सेक्शन को खुद से फिल करने की कोशिश करेंगे। ऑल राइट, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।